अगर आप भी इंडियन एक्सचेंज यूज़ करते हैं, जैसे कि वजीर एक्स है, जेपे है, कॉइनडीसीएक्स है, ऐसी काफ़ी सारी इंडियन एक्सचेंजेस हैं, लेकिन उनके ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त चल रही है। हालांकि हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद जो थी वो वजीर एक्स से थी, लेकिन हम स्टार्टिंग में शायद जेपे भी यूज़ कर रहे थे और जेपे ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की है जो मैं आपको पिछली बार भी बता चुका हूँ। आज मैं इन दोनों एक्सचेंजेस के बारे में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ, क्योंकि आज अगर आप देखते हो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर चलते हो तो यहाँ पे टॉप 20 जो एक्सचेंजेस हैं इनमें से 20 में से 5 ही सिर्फ ऐसे एक्सचेंजेस हैं जिनका रिजर्व्स का डाटा अवेलेबल नहीं है। अब रिजर्व्स का डाटा कहने का मतलब कि जितना इनके ऊपर अमाउंट दिख रहा है, क्या इतना अमाउंट इनके पास सच में है या नहीं। आसान भाषा में, क्या अगर हम इनको यूज़ करते हैं, क्या हमारा फंड्स जो है, हम फंड्स अपने डालते हैं, एसेट्स डालते हैं, क्या वो सेफ है या नहीं, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है। तो 20 में से 15 ऐसे एक्सचेंजेस जिनके ऊपर हमारा डाटा, हमारे फंड्स, हर एक चीज़, एसेट्स भी सेफ हैं। लेकिन अगर हम इंडियन एक्सचेंजेस की यूज़ करें, यहाँ पे हम जीरेक्स की एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल नई चीज़ आई है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। पहले यहाँ पे क्या था कि एक टिक लगा होता था, यानी कि रिजर्व्स का डाटा अवेलेबल है। अभी इन्होंने क्या किया कि रिजर्व्स का डाटा अवेलेबल वाले बहुत कम है, जिसकी वजह से इन्होंने बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर क्रॉस वाला यहाँ पे मार्क लगा दिया कि इनके पास रिजर्व्स का डाटा अवेलेबल नहीं है। हालांकि इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, काफ़ी सारे ट्वीट्स किए हैं ये दिखाने के लिए कि हमारे पास रिजर्व्स का डाटा अवेलेबल है, हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे ये प्रूव नहीं कर पाए। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर अभी तक भी अप्रूव्ड नहीं है। अगर हम कॉइन डीसीएक्स का देखते हैं तो सिर्फ यही एक ऐसा एक्सचेंज है जिनका डाटा दिख रहा है। वहीं नीचे अगर हम बिटवीन्स के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका भी रिजर्व्स का डाटा अवेलेबल नहीं है। कॉइन पार्क का भी अवेलेबल नहीं है, जेपे का भी अवेलेबल नहीं है, जियोटस का भी अवेलेबल नहीं है, यानी कि लगभग सारे इंडियन एक्सचेंजेस का डाटा अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे तो एक चीज़ वो सामने आ जाती है कि हाँ, सिक्योरिटी नहीं है हमारी इन एक्सचेंजेस के ऊपर। यही कारण है कि हम क्यों ऐसे एक्सचेंजेस की यूज़ करते हैं जो कि बाइनेंस है या फिर ओकेएक्स है, हम एमएक्सी, हॉबी जैसे एक्सचेंजेस की यूज़ करते हैं। तो अभी तक भी अगर आपने इन एक्सचेंजेस के ऊपर साइनअप नहीं किया, यूज़ करना शुरू नहीं किया, तो नीचे आप एक लिंक पा सकते हैं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट अभी से बना लीजिए, क्योंकि ये एक्सचेंजेस सेफ़ नहीं है जो हम यूज़ कर रहे हैं। बाइनेंस जैसी बड़ी एक्सचेंजेस ही सेफ हैं। अब हम मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस हमेशा पहुंचते रहें। तो वीडियो की शुरुआत वजीरेक्स से नहीं बल्कि जेपे से करेंगे। तो जेपे का मैं आपको पिछली बार मैंने अपडेट दिया था कि मेरे उसके ऊपर कुछ फंड्स पड़े थे, मैंने फंड्स पूरे के पूरे निकाल लिए थे। फंड्स निकालने का कारण यही था कि इनके ऊपर क्या है कि फीस बहुत ज़्यादा है, ट्रेडिंग फीस बहुत ज़्यादा है, टीडीएस भी ले रहे हैं, इसी के साथ साथ इन्होंने मंथली चार्ज रख लिया कि अगर आप अपने एसेट्स को यहाँ पर रखते हो और अगर एक ट्रेड नहीं करते हो महीने का, यानी कि मिनिमम एक ट्रेड मंथली होना चाहिए, अगर नहीं करते हो तो ये अपना सर्विस चार्ज काट लेंगे। तो देखते देखते उन्होंने क्या किया कि कुछ ना कुछ मेरा इथेरियम पड़ा था, इथेरियम धीरे धीरे इन्होंने काटा और लगभग 0.05, 0.06 इतना इथेरियम इन्होंने काट लिया था, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था जब मैंने ये देखा कि मेरा इथेरियम लगातार कम होता जा रहा है जेपे के ऊपर पड़ा पड़ा। हालांकि ना मैंने उसको ट्रेड किया, ना कुछ भी नहीं किया, तो एसेट रखने का भी इन्होंने चार्ज काट लिया। अब यहाँ पे बात सीमित नहीं है, अब इसके बाद क्या है कि मुझे अभी भी मेल्स आते हैं, ये कहते हैं कि मेरा इन्होंने सर्विस चार्ज अभी भी काट लिया, चाहे बात सिर्फ 6 रुपये की है, 6 हो चाहे 600 हो चाहे 6 लाख हो। तो यहाँ पे मैटर सिर्फ ये करता है कि सर्विस चार्ज किस चीज़ का काटना चाहते हैं। तो वहाँ अभी मेरे जेपे के ऊपर 1 रुपया भी नहीं पड़ा है, मैंने कुछ भी फंड्स नहीं रखे हुए। तो इन्होंने बोला कि मेरा अक्टूबर 01 से लेकर 31 अक्टूबर पूरे एक महीने का 6 रुपये बनते हैं। वही अगर मैं यूज़ कर रहा होता तो इन्होंने 100 रुपये 150 रुपये या फिर कुछ इथेरियम कुछ अमाउंट इन्होंने ऐसे सीधा काट लेना था बिना बताए। तो ये ऐसी सर्विस चार्ज लगा रहे हैं जो कि बिना मतलब के है, इसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। अगर आप भी जेपे यूज़ करते हैं तो वहाँ से जितनी जल्दी हो सकता है अपने फंड्स निकालो। तो मेरी किसी भी एक्सचेंज के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अच्छे एक्सचेंजेस के ऊपर पैसे रखो, जो ऐसे बिना फालतू के पैसा ना काटे, या फिर ये बार बार ऐसे ना दिखाएं कि इनका इतना पैसा बनता है। अब मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था, वो ये कि मैंने इथेरियम सेल करके रुपीस निकाल लिए थे। अब इन्होंने उसके ऊपर भी 500 रुपये प्लस का ऐसा एक टैक्स बना दिया कि उसका भी टैक्स कट गया, उसके ऊपर भी सर्विस चार्ज इन्होंने ले लिया। तो वो चलो एक बार निकलना था, मैं जेपे से निकल गया। अब इसी के साथ हम बात करने वाले वजीरेक्स की। वजीरेक्स के ऊपर हम क्या क्या पे करते हैं, एक तो आप फीस देख सकते हैं 0.472% है, जो कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कम हुआ करती थी जब मार्केट अच्छी चल रही थी। लेकिन अभी इसके ऊपर आप देख सकते हो फीस तो बड़ी है, 1% TDS भी पे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसकी कि अगर आपने INR इसके ऊपर डाल लिया अपने वजीरेक्स एक्सचेंज के ऊपर, तो उसके बाद आपको निकालना भी INR ही पड़ेगा। आप क्रिप्टो करेंसी को
वजीर एक्सचेंज से किसी और एक्सचेंज पर सेंड नहीं कर पाओगे। ये एक तरीका है गवर्नमेंट का कि आपका पैसा एक्सचेंज के ऊपर आए और एक्सचेंज से बाहर निकल जाए INR में ही, यानी कि आप कभी भी अपना क्रिप्टो किसी और एक्सचेंज के ऊपर ना ले जा पाए। हालांकि मैं इस चीज को समझता हूँ कि ये चाहते हैं कि टेरर फंडिंग ना हो या फिर किसी भी तरह का मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, क्योंकि अगर इसके ऊपर पैसा डाल के पैसा बाहर की कंट्री में भेजा जाता है तो बहुत आसान ऐसे चल रहा था पहले वजीरेक्स से बाइनेंस और बाइनेंस से चाइना में पैसा जा रहा था या फिर बाकी कंट्रीज में पैसा जा रहा था, टेररिस्ट फंडिंग भी हो रही थी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने ये किया है, लेकिन ये बहुत ही बुरी चीज़ है कि अगर आप क्रिप्टो एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से क्रिप्टो करेंसी को विड्रॉ नहीं कर पाओगे। अब अगर आप INR डिपॉजिट नहीं करते हो तब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, यानी कि आपने नया अकाउंट बनाया उसके ऊपर INR आपने डिपॉजिट नहीं किया, INR डिपॉजिट नहीं किया, सिर्फ आप क्रिप्टो ही डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको क्रिप्टो विड्रॉ करने का मौका मिलता रहेगा, आप P2P भी यूज़ कर लोगे। तो ध्यान आपने सिर्फ एक ही चीज़ का देना कि आपने INR डिपॉजिट नहीं करना। अगर आपको ज़्यादा ही है तो आप बाइनेंस के ऊपर जाओ, वहाँ पे P2P यूज़ करके चाहे कोई भी करेंसी निकालो, क्रिप्टो करेंसी निकालो, चाहे कोई भी फियट निकालो, लेकिन वजीरेक्स के ऊपर ये प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि इन्होंने जो विड्रॉल्स हैं सभी के चालू कर दिए हैं, विड्रॉल्स सभी बहुत अच्छे चलते हैं इनके ऊपर, लेकिन हमेशा की तरह वजीरेक्स का जो काम है वो अधूरा ही रहा है। अब मैं आपको बड़ी चीज़ और बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखोगे सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट एसेट कौन सा होता है, जैसे कि वजीरेक्स का BTC आप देख सकते हैं 2.8 BTC की वॉल्यूम है। वही अगर हम चलते हैं यहाँ ज़ेपे के ऊपर, इनकी वॉल्यूम कितनी है, 0.9 BTC की वॉल्यूम। इतनी कम वॉल्यूम होने के बावजूद इन्होंने इतना बड़ा ट्रेडिंग फी, सर्विस फी, TDS, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा लिमिट्स, ये सब कुछ लगाया हुआ है। तो ऑलरेडी इनके पास ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है और फिर भी इन्होंने इतना कुछ किया हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये सब नहीं करना चाहिए, ताकि इनके एक्सचेंज के ऊपर कुछ ना कुछ अमाउंट भी आए, कुछ ना कुछ ट्रेडिंग वॉल्यूम भी आए। अगर ये चाहेंगे तभी वॉल्यूम आएगा, वरना इनकी यही गलतियों की वजह से कभी भी वॉल्यूम नहीं आने वाला। तो आज हमने इस वीडियो में दो एक्सचेंजेस कवर करी हैं, वजीरेक्स हो गया और ज़ेपे हो गया। तो यहाँ मैंने आपको सिर्फ बेसिक प्रॉब्लम्स बताई हैं जो इनके ऊपर एग्जिस्ट करती हैं, जिनकी वजह से आपने ध्यान देना है कि इन एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड नहीं करना। लेकिन अगर आपको एक कन्वीनियंट लग रहा है, अगर आप वहाँ पे ऑलरेडी क्रिप्टो डायरेक्टली डाल के वजीरेक्स से INR निकाल रहे हैं तो उससे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन अगर आपने INR डिपॉजिट कर दिया एक बार तो आपका अकाउंट गया, और ऐसा ही ज़ेपे के ऊपर अगर आपने अमाउंट डाल लिया चाहे कोई भी एसेट है, तो इन्होंने सर्विस चार्ज या किसी ना किसी बहाने कुछ ना कुछ काटते ही रहेंगे, जैसे कि प्राइवेट बैंक्स काटते हैं, उनको बहाना चाहिए होता है पैसा काटने का, तो इन्होंने भी पैसा काट लेना और आपको कभी भी पैसा वापस नहीं मिलने वाला। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में मेल दिखाया था कि मुझे ऐसी सर्विस चार्ज लगा रहे हैं बिना बात के, मैंने इनका ना एक्सचेंज यूज़ किया, शायद मैंने इनका एक्सचेंज खोला भी नहीं, मैंने इनके नोटिफिकेशन भी बंद किए हुए हैं, क्योंकि ये बिना बात के पैसे मांग लेते हैं। तो ऐसे तो हम मार्केट में जाए कोई भिखारी भी ऐसे पैसे नहीं मांगता जैसे ये अपना कुछ ना कुछ पैसा उसके ऊपर और बना लेते हैं। तो इन जैसे चार्जेस से, सर्विस चार्ज से इनसे बचो और फॉरेन एक्सचेंजेस को फिलहाल के लिए यूज़ करो। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर आएगा हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ हमारे जो इंडियन एक्सचेंजेस है वो भी कुछ अच्छा लेकर आएंगे हमारे लिए, कुछ अच्छा प्रोडक्ट लेकर आएंगे, फीस को कम करेंगे, TDS को कम करेंगे। जब ऐसा होगा तो हम आसानी से इंडियन एक्सचेंजेस को यूज़ कर पाएंगे। लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा, थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। नीचे कमेंट कर दीजिए किस एक्सचेंज के बारे में आपको वीडियो चाहिए या किसी प्रोजेक्ट के बारे में, कॉइन के बारे में वीडियो चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। और इसी के साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि अब तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। धन्यवाद।